हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हमारे यहाँ पे लेक्चर सीरीज चल रही है, उसका हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट रहेगा। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कम्प्लीट रिवाइज करके चलेंगे इस टॉपिक के बारे में। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो हमारा डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी जो हमारे यहाँ पे पैकेजिंग रहती है जिससे कि हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, तो उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए है उसकी किस तरीके से यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन होके फिर से हमारे यहाँ पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होगी, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे लेक्चर सीरीज है ये हमारी टारगेट टीबीटी बैट जेआरएफ 2024 से रिलेटेड है, ठीक है। जिस सीरीज के अंदर हमने क्या करवाया है, जो हमारे ईयर 2023, 2022, 2021, 2020 ये सब हमने जो प्रीवियस ईयर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपने लेक्चर सीरीज के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे यहाँ पे जो हम रिवाइज करके चल रहे हैं कंप्लीट इस यूनिट को, जिसके अंदर हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे रेप्लीकेशन को। तो इसी को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए रेप्लीकेशन जो हमारी होती है वो हमारे तीन अलग अलग मेजर स्टेजेस के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड रहती है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है इनिशिएशन, सेकंड हमारे यहाँ पे इलोंगेशन, और थर्ड हमारे यहाँ पे होगा टर्मिनेशन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेप्लीकेशन इनिशिएशन के बारे में, रेप्लीकेशन इन ई कोलाई प्रोकैरियोट्स की अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओआरआईसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। ओआरआईसी कंसिस्ट ऑफ 245 बेस पेयर इन विच सम ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस आर हाईली कंजर्व्ड इन नेचर। इट कंटेन्स टू हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 245 बेस पेयर यहाँ पे हमारे होंगे जिसके अंदर कुछ हमारे यहाँ पे हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस रहते हैं, तो उन्हीं में से हमारे यहाँ पे दो हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस हमारे कौन कौन से होंगे। एक तो हमारे यहाँ पे होता है आर साइट, जिसको हम नाइनमर भी बोलते हैं। नाइनमर इसको हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमारे नाइन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइव रिपीट्स ऑफ नाइन बेस पेयर सीक्वेंस, यहाँ पे हमारा क्या होगा, नाइन बेस पेयर के हमारे यहाँ पे पांच रिपीट्स में देखने को मिलेंगे, पांच कॉपीज हमारे यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इट एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर द डीएनए ए इनिशिएशन प्रोटीन, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे डीएनए ए है, ठीक है, आगे हम अलग अलग डीएनए प्रोटीन हमारे यहाँ पे बात करेंगे, तो उसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन आएगा डीएनए ए। और जो डीएनए ए है ना, ये हमारा क्या होता है, इनिशिएटर प्रोटीन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रही है उसके अंदर हमारे यहाँ पे इसका रोल रहेगा। तो जो हमारा डीएनए ए यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन है वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, इस आर साइट के ऊपर, ठीक है, यानी कि नाइन मर के ऊपर। सेकेंड हमारे यहाँ पे कौन सा हाईली कंजर्व सीक्वेंस होगा, 13 मर। और 13 मर से आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 13 बेस पेयर का हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा। और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीयूई साइट पे हम यहाँ पे बोलेंगे। डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, जो हमारे यहाँ पे डीयूई है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, ठीक है, रिच इन 80 बेस पेयर। और ये हमारा किस में रिच होता है, 80 बेस पेयर से, ठीक है। इट पोसेस थ्री आई साइट्स, डीएनए ए बाइंडिंग साइट, आईएचएफ बाइंडिंग साइट, इंटीग्रेटेड होस्ट फैक्टर एंड एफआईएस बाइंडिंग साइट, फैक्टर फॉर द इन्वर्जन स्टिमुलेशन, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे 13 मर जो हमारा होता है ना, इसके हमारे यहाँ पे थ्री रिपीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो हाईली कंजर्व सीक्वेंस हो जाते हैं जहां से हमारी जो रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, डीयूई साइट हो गई हमारे यहाँ पे, ठीक है, 13 मर, जिसके हमारे यहाँ पे टेंडम एरे ऑफ थ्री 13 बेस पेयर सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस, ये इसका यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा। इस सीक्वेंस के ऊपर हमारे बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो अगर आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ पे याद नहीं भी रहता तो कोई भी यहाँ पे हमारी ज्यादा चिंता वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो इसके ऊपर हमारा कोई स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर हम यहाँ पे बात करें 9 मर के बारे में, तो जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे हमारे कितने इसके हमारे यहाँ पे कॉपीज होंगी, फाइव रिपीट हमारे यहाँ पे होंगे, 3, 4, 5, ठीक है। और ये हमारे क्या होंगे, इसका सीक्वेंस आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। टी टी ए टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे फर्स्ट और सेकंड पे तो हमारे यहाँ पे टी टी होंगे, ठीक है, थायमिन और थायमिन। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा एडेनिन भी हो सकता है और यहाँ पे हमारा थायमिन भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे थायमिन, फिर से जो एन यहाँ पे है, एन हमारे यहाँ पे किसको सिग्निफाई करेगा, कोई भी हमारे यहाँ पे बेस पेयर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सी ए सी सी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहता है, 9 नंबर का हमारे यहाँ पे सीक्वेंस होगा, जिसके ऊपर हमारा क्या करेगा, बाइंडिंग साइट फॉर द डीएनए ए प्रोटीन, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, डीएनए ए हमारे यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 245 बेस पेयर का जो हमारे यहाँ पे ओआरआईसी जो होता है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या बताया, एक तो हमारे यहाँ पे 13 नंबर होता है, एक हमारे यहाँ पे 9 नंबर होगा, ठीक है, इसके हमारे तीन रिपीट्स होंगे, इसके हमारे यहाँ पे फाइव रिपीट्स होंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या होती है, हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग साइट और भी होती है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग साइट हो गई, एक हमारे यहाँ पे आईएचएफ बाइंडिंग साइट हो गई, ठीक है,
और एक हमारे यहाँ पे FIS बाइंडिंग साइट हो गई, FIS हो गया, IHF हो गया, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे I1, I2 एंड I3, ठीक है, थ्री आई साइट्स, ठीक है, जो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा DNA है वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, उसके बाद जो हमने यहाँ पे बात किया था ना कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे प्रोटीन होते हैं जहां से हम जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पे डीएनए ए की बात की थी, तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे दूसरे और भी प्रोटीन होते हैं प्रोकैरियोट्स की, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं, सम डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन पार्टिसिपेट इन द इनिशिएशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओपन द डीएनए हेलिक्स टू स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि डीएनए, जैसे ये हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, तो जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो डीएनए है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। और ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो ये यहाँ पे फोक की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ से ही हमारे क्या होंगे, यहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड की यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ओपन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक फोक की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम होंगे, प्राइमर वगैरह होंगे, ये यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें से एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीएनए ए प्रोटीन, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा रिकॉग्नाइज करेगा किसको, ओआरआई सी साइट को, जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। डीएनए बी प्रोटीन हमारा क्या करता है, ये हमारा एक हेलिकेज की तरह काम करेगा। हेलिकेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, तो जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे हमारे जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होती है, तो इन दोनों स्ट्रैंड को हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, ये हमारे पेरेंटल थे ना, ये हमारे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इनको सेपरेट कौन करता है, जो हमारा हेलिकेज एंजाइम होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोट्स के लिए, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा हेलिकेज एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए बी प्रोटीन, अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, डीएनए सी, रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए बी बाइंडिंग एट द ओरिजिन, ठीक है, जो हमारा डीएनए बी है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज था उसको बाइंड करवाने के लिए हमारे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए सी की। एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा एच यू प्रोटीन, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन दैट स्टिमुलेट द इनिशिएशन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एफ आई एस और आई एच एफ, जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी ना, यहाँ पे हमारी दो अलग अलग साइट और भी थी, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे कौन सी थी, एफ आई एस थी, एक हमारे यहाँ पे आई एच एफ है। तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं के लिए भी बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारे यहाँ पे हो जाता है एफ आई एस और एक हमारे यहाँ पे आई एच एफ, ये दोनों क्या करेंगे, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन विच स्टिमुलेट द डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डीएनए जी, ये हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहेगा, ये हमारा क्या होता है, प्राइमरेज एंजाइम होता है, और ये क्या करेगा, सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर की यहाँ पे हमारी जो सिंथेसिस होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है वो हमारी डीनोवो नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमारी डीनोवो नहीं होगी, इसको यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक स्टैंड हो गया, तो जब हमारे यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक न्यू स्ट्रैंड के हमारे यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें पहले एक प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होता है ना, वो यू नहीं है कि हमारा कहीं से भी, जैसे कि वो यहाँ पे बाइंड किया और यहाँ से हमारे न्यू हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसको क्या चाहिए, यहाँ पे पहले एक हमारा सीक्वेंस चाहिए होगा, ठीक है, और इसी सीक्वेंस को ये क्या कर सकता है, यहाँ पे फर्दर इलोंगेट कर सकता है सिर्फ, ये यहाँ पे न्यू नहीं है कि हमारा रैंडमली जाके कहीं पे भी बाइंड किया और वहां से हमारी डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइमर की, और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो प्राइमेज एंजाइम है वो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा जो डीएनए जी होगा वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, एक प्राइमेज एंजाइम की तरह, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारा एंजाइम यहाँ पे प्राइमर सिंथेसिस करेगा, या फिर कौन सा हमारा ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्राइमेज की तरह काम करेगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे डीएनए जी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, बाइंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। देखो ये हमारे यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड थे, इनको हमने क्या किया, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद यहाँ पे हमारे डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी, लेकिन जब तक यहाँ पे हमारे डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे भी हमारा एक और सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन के थ्रू रिनेचुरेशन यहाँ पे शो कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सिंथेसिस यहाँ पे फिर से कर देंगे ये, तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करेगा, ये इनके ऊपर जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और इनको आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी रीनेचुरेशन यहाँ पे नहीं होने देगा, ठीक है, उसको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है गायरेज, ये हमारा क्या करेगा, रिलीव टोर्शन स्ट्रेन जनरेटेड बाय द डीएनए अनवाइंडिंग। जैसे कि हमने पीछे जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक लिंकिंग नंबर के बारे में बात की थी, ठीक है, तो लिंकिंग नंबर हमारा क्या होता था, जो हमारा डीएनए है वो अपने ही ऊपर कितने बार यहाँ पे अपना कॉइलिंग कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जब
जैसे कि यहां से हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, अगर वो यहां से हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए डीनेचुरेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे, तो जो इसके यहाँ पे एंड्स होंगे ना वहां पे क्या हो जाएगा, इनके ऊपर यहाँ पे लिंकिंग नंबर हमारे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये टोर्शन होगा ना, इस टोर्शन को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रेस जो आएगा उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीएनए गायरेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करेगा, रिलीव दैट टोर्शन स्ट्रेन जनरेटेड बाय द डीएनए अनवाइंडिंग। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एक प्रोटीन की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे डीएनए ए जो था, ये हमारा क्या करेगा, इट बिलोंग्स टू द ट्रिपल ए पॉजिटिव एटीपीएज प्रोटीन फैमिली एंड बिकम एक्टिवेट इन द एटीपी बाउंडेड फॉर्म। इनिशियली एट डीएनए ए प्रोटीन मॉलिक्यूल एटीपी बाउंड फॉर्म असेंबल एट द ओराइजन ओआरआईसी एंड फॉर्म ए हेलिकल कॉम्प्लेक्स अराउंड इट। दिस कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस ए पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग व्हिच लीड्स टू डीनेचर इन द एटी रिच डीयूई रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जो हमारे डीएनए सी और डीआरएनए बी होंगे। डीएनए बी हमारे यहाँ पे क्या होता था, हेलिकेज एंजाइम होता था, तो पहले हमारा क्या होगा, डीएनए सी यहाँ पे बाइंड होगा, डीएनए सी क्या करेगा, डीएनए बी को यहाँ पे रिक्रूट करेगा। डीएनए सी ट्रिपल ए पॉजिटिव एटीपीएस प्रोटीन लोड्स द डीएनए बी ऑन द स्ट्रैंड सेपरेटेड डीएनए इन द डीनेचर रीजन। टू रिंग शेप्ड डीएनए बी हेलिसमर आर लोडेड इन द डीयूई वन ऑन टू ईच द डीएनए स्ट्रैंड। जो हमारे यहाँ पे दो स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं, एक स्ट्रैंड के ऊपर हमारे यहाँ पे डीएनए बी आएगा और दूसरे के ऊपर भी हमारे यहाँ पे डीएनए बी आएगा, यानी कि दो हमारे यहाँ पे डीएनए बी हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, लेटर एटीपी बाउंड इन द टू द डीएनए सी इज हाइड्रोलाइज्ड रेजिंग द डीएनए सी एंड लीविंग द डीएनए बी बाउंड टू द डीएनए। डीएनए बी माइग्रेट अलोंग द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इन द 5' टू 3' डायरेक्शन एंड अनवाइंड द डीएनए एज इट्स ट्रेवल। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो डीएनए बी होगा वो हमारे यहाँ पे ट्रेवल करता जाएगा 5' टू 3' डायरेक्शन में, तो वहां पे हमारा क्या होता रहेगा, जो हमारा डीएनए है वो हमारा वहां पे अनवाइंड होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड हो गए थे जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे 5', ये हमारे यहाँ पे 3'। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी कि ये हमारे यहाँ पे 3', ये हमारे यहाँ पे 5'। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए बी होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो रेप्लिकेशन हमारी दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं इस तरफ यहाँ पे मूव करवाऊँ तो ये हमारी क्या डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ये हमारी हो जाती है यहाँ पे 5', यहाँ पे तो हमारा 3' होगा ना, ये हमारे यहाँ पे 5'। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3'। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे सॉरी, ये हमारे यहाँ पे 5', और ये हमारे यहाँ पे 3'। तो ये हमारे डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पे 5' बाइंड होगा और यहाँ पे हमारा ये 3'। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, 5' टू 3'। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे बाइंड हो गया डीएनए बी, एक हमारे यहाँ पे डीएनए बाई बाइंड हो गया, तो ये हमारा क्या करेगा, 5' टू 3' हमारे यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे ये हमारे यहाँ पे मूव करता रहेगा तो जो हमारे स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट होते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे ये मूव करता रहेगा और यहाँ पे हमारे जो स्ट्रैंड है वो हमारे एक दूसरे से यहाँ पे एक दूसरे सेपरेट होते रहेंगे। ठीक है, डीएनए बी माइग्रेट अलोंग दैट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बी इन द 5' टू 3' डायरेक्शन एंड अनवाइंड द डीएनए एज इट ट्रेवल्स। टू डीएनए बी हेलिकेज लोडेड ऑन द टू डीएनए स्ट्रैंड ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रिएटिंग टू पोटेंशियल रेप्लिकेशन फोर्क। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा अगर हमारा जो यहाँ पे डीएनए बी है वो अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे हमारी एक रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन होगी और सिमिलर हमारे यहाँ पे भी रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारा कैसा हो गया, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल हो गया, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, डीएनए बी जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है वो हमारे यहाँ पे मूव कर रहा है और वो हमारे यहाँ पे क्या है, एक हेलिकेज है, और हेलिकेज होने की वजह से यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोटीन आता है एसएसबी बीपी और एक हमारे यहाँ पे डीएनए गायरेज। एज द रेप्लिकेशन बिगिन इन द डीएन एंड द डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड एट द फोर्क देन नंबर ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी बाइंड्स टू द सेपरेटेड स्ट्रैंड एंड स्टेबलाइज देम। डीएनए गायरेज डीएनए टोपोइसोमेरेज टू टाइप का ये हमारे यहाँ पे गायरेज होता है, तो ये क्या करेगा, रिलीव द टोपोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एसएसबीपी और हमारे यहाँ पे डीएनए गायरेज हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इनिशिएशन डीएनए पॉलीमरेज हैज बीन लोडेड ऑन टू इट इन ई कोलाई। देयर आर 5 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलीमरेज सॉरी प्रोकैरियोट्स के लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे 5 टाइप के हमें डीएनए पॉलीमरेज में मेजरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कई बार हमारे इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज वन है वो हमारा क्या होता है, उसके लिए जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होगा वो हमारा कौन सा होगा, पॉली ए। और डीएनए पॉलीमरेज टू के लिए हमारा कौन सा होगा, पॉल बी। डीएनए पॉलीमरेज थ्री के लिए पॉल सी। डीएनए पॉलीमरेज फोर के लिए हमारे यहाँ पे डीआईएन बी। और जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फाइव होगा इसके लिए हमारे यहाँ पे यूएमयू सी। अगर हम यहाँ पे बात करें 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए,
तो ये हमारी जो पॉलीमरेज एंजाइम है, चाहे कोई भी हमारे यहाँ पे एंजाइम हो, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 4, पॉलीमरेज 5, सबके पास ये वाली एक्टिविटी तो यहाँ पे जरूर होगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी होती है, जो कि हमारी प्रूफ रीडिंग के अंदर काम आएगी, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ना, वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी किस किस के पास प्रेजेंट होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 के पास, डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 के पास ये वाली एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। इनके पास जो हमारी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो सेंट रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो ये हमारी किस किस के पास प्रेजेंट होगी, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास, बाकी किसी के पास भी ये वाली एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें पॉलीमराइजेशन रेट के लिए, ये तो यानी कि कितने न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे हमारी पॉलीमराइजेशन पर सेकंड हमारे यहाँ पे पॉलीमराइज कर देते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी देखने को हमें मिलती है वो किसकी है, डीएनए पॉलीमराइज 3 की, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइज 2 और देन उसके बाद हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइज 1 और फिर हमारे यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आती है प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट, यानी कि एक बार हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड था, पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे बाइंड हुआ, तो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के बाद ये हमारे यहाँ पे रिमूव होगा, वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे प्रोसेसिविटी। और सबसे हाईएस्ट जो प्रोसेसिविटी होती है वो किसकी होगी, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 की। और इन्हीं दोनों एक्टिविटी, जैसे हमारे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रेट हो गया और जो प्रोसेसिविटी है, इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज में यहाँ पे देखने को मिलता है वो हमारा कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। क्यों, क्योंकि इसकी पॉलीमराइजेशन रेट और जो प्रोसेसिविटी है वो दोनों क्या होती है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रहती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 जो हमारे यहाँ पे होगा, जैसे हमने बताया ना डीएनए पॉलीमरेज 3 हमारे यहाँ पे सबसे कॉमन और सबसे मेजर हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम होगा। तो अगर हम आप इसकी स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास अलग अलग सबयूनिट यहाँ पे होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी अलग अलग सबयूनिट होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले अल्फा के लिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जीन जैसे पीछे भी आपको बताया था, इसके पास क्या होती है हमारी, ये हमारी जो हमारा अल्फा सबयूनिट होगी ना, ये हमारी किसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक होगी, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के लिए। जो हमारी एप्सिलॉन जो हमारे यहाँ पे सब यूनिट होगी ये किसके लिए होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। जो हमारा थीटा होगा ये किसके लिए होगा, यहाँ पे एसोसिएट विद द अल्फा एंड एप्सिलॉन टू फॉर्म ए कोर पॉलीमरेज। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है टॉर्क, ये क्या होगा हमारा, स्टेबल द टेम्पलेट बाइंडिंग। थीटा हमारे यहाँ पे क्या करेगा, क्लैंप ओपनर की तरह काम। और जो हमारा थीटा डैश होगा ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, क्लैंप लोडर की तरह। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है जीटा, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, इंटरेक्ट विद द एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फाई, ये हमारा क्या करेगा, इंटरेक्ट विद द टॉप एंड फाई सॉरी जो हमारे यहाँ पे साई होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है बीटा, बीटा हमारे यहाँ पे क्या होगा, डीएनए क्लैंप रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमल प्रोसेसिविटी। ये हमारे यहाँ पे अलग अलग सबनेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इलोंगेशन। हमने बताया था ना तीन हमारे यहाँ पे स्टेप्स होंगे, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या था, इनिशिएशन था, तो इनिशिएशन यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। जो हमारे प्रोकैरियोट्स और जो हमारे यूकैरियोट्स है ना, इनके अंदर हमारी अलग अलग टाइप की हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि अलग अलग हमारे यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व रहेगी। प्रोसेस तो देखो सेम ही है, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एंजाइम यूज होते हैं ना वो हमारे डिफरेंट होंगे। तो इन दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के लिए, और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने यहाँ पे इनिशिएशन को तो स्टडी कर ही लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इलोंगेशन के लिए। तो जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर जो इलोंगेशन यहाँ पे स्टेप रहता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी इनकी, दिस स्टेप इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड। द स्टेप स्टार्ट विद द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द प्राइमेज डीएनए जी प्रोटीन। आरएनए प्राइमर इज ए शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड ऑफ 10 टू 60 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जी इंटरैक्ट विद द डीएनए बी हेलिकेज टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, एंड द प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड इन दैट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द डीएनए बी हेलिकेज इज मूविंग। आफ्टर प्राइमिंग सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टार्ट टू सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन बोथ ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑकर फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑन द बोथ स्ट्रैंड। Due to anti-parallel nature of the DNA strand, DNA synthesis occur in the semi-discontinuously. On one strand, DNA synthesis occur continuously, called as the leading strand. On the other strand, DNA synthesis occur discontinuously, called as the lagging strand. जो हमारी continuous यहाँ पे strand की जो synthesis होती है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, leading strand. और जिसके ऊपर हमारी यहाँ पे discontinuously हमारी यहाँ पे synthesis होगी, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, lagging strand. Parental DNA strand, on which new strand synthesis occur, is called the template. जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड हो गया, और इसके ऊपर इसके साथ ही हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, न्यू स्ट्रैंड की यहाँ पे हमारी सिंथेसिस हो रही है। तो जो हमारे यहाँ पे पेरेंटल जो स्ट्रैंड होगा, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड इज वन फॉर विच
प्राइम टू थ्री प्राइम सिंथेसिस प्रोसीड इन द सेम डायरेक्शन दैट द रेप्लिकेशन फोर्क मूव। जैसे कि हमारी जो यहाँ पे पीछे हमने यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क की जैसे बात की थी यहाँ पे, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है उसकी जो डायरेक्शन थी वो हमारी कौन सी डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डीएनए बी है वो हमारे इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमारे जो यहाँ पे डीएनए की जो न्यू स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है वो हमारा ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ भी हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, और सिमिलरली नीचे वाला जो स्ट्रैंड होगा ना यहाँ पे भी हमारे डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होगी ना वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी इस तरीके से ना होके बल्कि, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी ना वो हमारी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 5 प्राइम हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 3 प्राइम, ये हमारे यहाँ पे 5 प्राइम, ये हमारे यहाँ पे 3 प्राइम, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारी सिंथेसिस में देखने को मिलती है। तो जो हमारी यहाँ पे कंटिन्यू जो हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो हमारी यहाँ पे डिसकंटिन्यू फॉर्म में हमारे यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि एक जगह से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी कंटिन्यू डीएनए सिंथेसिस हो रही है, दूसरे में हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूसली हमारे यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रही है, तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड इज वन फॉर विच 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस प्रोसीड इन द सेम डायरेक्शन दैट द रेप्लिकेशन फोर्क मूव। लैगिंग स्ट्रैंड इज वन इन विच 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस प्रोसीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्क मूवमेंट। यानी कि जो हमारे यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा इसके अंदर जो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारे यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रहा है उसके अपोजिट, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मूव कर रहा है लेकिन इसकी सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, यही हमने यहाँ पे आपको बताया। देन उसके बाद क्या आता है, ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज इन द शॉर्ट पीसेस कॉल्ड एज द ओकाजाकी स्ट्रैंड, ओकाजाकी स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन द बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होती है, फ्रेगमेंट्स में हमारे यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होगी, और इन्हीं फ्रेगमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको स्टडी किया था, जिन्होंने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, और ये कहाँ पे होंगे, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रोसेस को देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन फोर्क हो गई, यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हो जाती है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस होगी, ठीक है। प्राइमर की सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे इन प्राइमर्स को यहाँ पे आगे हमारा मूव करवाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारी डीएनए सिंथेसिस हमारे यहाँ पे प्रोसीड करेगी। प्रोसीड करने के बाद क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो हमारे यहाँ पे मूव कर रही है, जैसे कि इस डायरेक्शन में भी हमारे यहाँ पे मूव करेगी और इस डायरेक्शन में भी हमारे यहाँ पे मूव करती है, और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होगा और उसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। सिमिलरली दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा, देखो इनकी ना डायरेक्शन को यहाँ पे याद भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर लीडिंग स्ट्रैंड है तो इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा, इसके साथ वाला हमारे यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और इसके जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी दो टाइप की फोक हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कुछ ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इलोंगेशन, जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इलोंगेशन स्टेप प्राइमर सिंथेसिस अकर आफ्टर विच द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड टेक प्लेस। ऑन लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस फॉर स्ट्रैंड फॉर्मेशन अकर व्हाइल ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड शॉर्ट फ्रैगमेंट न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रैगमेंट अकर। ऑन लैगिंग स्ट्रैंड मल्टीपल प्राइमर आर एडेड टू फैसिलिटेट द ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसिस। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर हमारे यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर हमारे यहाँ पे एड होंगे, ठीक है, टू फैसिलिटेट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जितने भी हमारे यहाँ पे हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक सेपरेट हमारे यहाँ पे आरएनए प्राइमर हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। और आपको यहाँ पे यू भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमर है ना वो हमारा किस नेचर का है, आरएनए का, डीएनए यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस जरूर यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, डीएनए सिंथेसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं रेप्लिकेशन के अंदर, लेकिन जो हमारा प्राइमर होता है ना वो हमारा किस नेचर का होगा, आरएनए का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डीएनए बी हेलिकेज एंड द डीएनए जी प्राइमेज कॉन्स्टिट्यूट द फंक्शनल यूनिट विद इन द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज द प्राइमोसोम। डीएनए बी हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए एट द रेप्लिकेशन फोर्क इन फ्रंट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 एज इट ट्रेवल अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। व्हेन द सिंथेसिस ऑफ एन ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैज बीन कंप्लीटेड रेप्लिकेशन पॉज
एंड द कोर यूनिट सब यूनिट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थ्री डिसोसिएट फ्रॉम द बीटा स्लाइडिंग क्लैंप एंड एसोसिएट विद अ न्यू क्लैंप द क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स टॉक थ्री। जो हमारे यहाँ पे क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसका हमारे यहाँ पे पांच अलग अलग सब यूनिट हमारे यहाँ पे होती है। पांच सब यूनिट यानी कि तीन तो हमारे यहाँ पे टॉर्क वाली होगी और दो हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, एक थीटा और एक हमारे यहाँ पे थीटा डैश। बाइंड टू द सॉरी डेल्टा होगा ये, डेल्टा डेल्टा डैश ठीक है, बाइंड टू द एटीपी एंड टू द न्यू बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। द बाइंडिंग इम्पार्ट स्ट्रेन ऑन द डाइमेरिक क्लैंप ओपनिंग द रिंग एट द वन सब यूनिट इंटरफेस। द न्यूली प्राइम्ड लॉगिंग स्ट्रैंड इज स्लिप्ड इनटू द रिंग थ्रू द रिजल्टिंग ब्रेक। द क्लैंप लोडर देन हाइड्रोलाइजेज द एटीपी रेजिंग द बीटा स्लाइडिंग क्लैंप एंड अलाउिंग इट टू क्लोज टू द अराउंड द डीएनए। दिस इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहती है। अब उसके बाद क्या होता है, वंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज बीन कंप्लीटेड इट्स आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज वन और आरएनएज एच वन ठीक है। जैसे ही हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो जैसे हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमर होंगे, प्राइमर हमारे किस नेचर के होते हैं, आरएनए। अब यहाँ पे तो हमारा क्या था, डीएनए था, तो उसके अंदर अगर यहाँ पे हमारे आरएनए होंगे तो वो तो यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करेंगे। तो इनको यहाँ पे रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज वन या फिर आरएनएज एच वन। डीएनए पॉलीमरेज वन सिंथेसाइज द रिमेनिंग डीएनए पोर्शन, आरएनए प्राइमर इन द लैगिंग स्ट्रैंड आर रिमूव्ड बाय द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज वन। देखो हमने एक्टिविटी के पीछे बात की थी कि कौन कौन सी हमारे यहाँ पे एंजाइम के पास, कौन कौन सी हमारे यहाँ पे एंजाइम के पास कौन कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो जो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारी यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होगी, जो कि हमारे किसके अंदर यूज आ रही है, जो हमारे प्राइमर है उनको रिमूव करने के लिए, प्राइमर रिमूवल। ये एक्टिविटी सिर्फ किसके पास थी, जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज वन था। तो इसका मतलब जो हमारा प्राइमर रिमूवल है वो हमारे यहाँ पे सिर्फ कौन कर सकता है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज वन होगा ठीक है। बाकी किसी एंजाइम के पास ये वाली एक्टिविटी है ही नहीं, तो वो आरएनए प्राइमर को हमारे यहाँ पे रिमूव कर ही नहीं पाएगा ठीक है। डीएनए लाइगेज कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एट द एंड ऑफ द वन डीएनए स्ट्रैंड एंड द 5 प्राइम फॉस्फेट एट द एंड ऑफ द अनदर स्ट्रैंड। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे प्राइमर हो गया ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव हमारे यहाँ पे कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज वन या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, आरएनएज एच वन ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, इस प्राइमर को रिमूव करेगा और देन उसके बाद हमारे यहाँ पे डीएनए लाइगेज आएगा जो कि क्या करेगा, एटीपी या फिर एनएडी पॉजिटिव को यहाँ पे यूज करके हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमारे यहाँ पे निक बन गया था ना, जैसे कि इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। तो इस ब्लैंक को यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज वन, उसने यहां तक तो इसको फिल कर दिया, लेकिन लास्ट में भी जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक हमारे पास यहाँ पे कट बचा रह जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 प्राइम था, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा इस एंड के ऊपर, ये हमारे यहाँ पे 5 प्राइम है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा 3 प्राइम, और 3 प्राइम पे हमारा क्या होता है, OH होगा। इसी तरीके से जो इसका यहाँ पे सेकंड जो टर्मिनस है, जैसे ये वाला यहाँ पे टर्मिनस होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 5 प्राइम, यहाँ पे हमारा 3 प्राइम, 5 प्राइम के पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फॉस्फेट देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे 3 प्राइम का OH है, यहाँ पे 5 प्राइम का जो फॉस्फोरस है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, उसके लिए हमें किसकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का सिर्फ यहाँ पे लाइगेज हमारा कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे टर्मिनस के ऊपर जो हमारे 3 प्राइम और 5 प्राइम है, उन दोनों को यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऐड कर रहा है ठीक है। जैसे कि आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे डीएनए लाइगेज आप यहाँ पे देख सकते हो, तो डीएनए लाइगेज के पास क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रहता है और इसकी हेल्प से ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनाइलेशन ऑफ द डीएनए लाइगेज, जो हमारे यहाँ पे डीएनए लाइगेज है इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडेनाइलेशन हो जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ पे जो एएमपी है ठीक है, वो हमारे यहाँ पे इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एंजाइम एएमपी, ये हमारे यहाँ पे एएमपी इसके साथ जाके बाइंड हो गया ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द 5 प्राइम फॉस्फेट इन द निक, जो हमारे यहाँ पे निक बना हुआ था, ये स्पेस की हम बात कर रहे थे ना, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निक जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा 5 प्राइम होगा ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 प्राइम होगा, ये हमारे यहाँ पे 3 प्राइम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है ठीक है, वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 5 प्राइम, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 प्राइम हो गया, ये हमारे यहाँ पे 5 प्राइम हो गया, तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम है ना, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा ठीक है, निक इन द डीएनए। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी इसको किस तरीके से करेगा, जो हमारे यहाँ पे एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स था, वो क्या करेगा, जो एएमपी होगा वो इस 5 प्राइम फॉस्फेट को यहाँ पे पास कर देगा ठीक है। इसको क्या कर दिया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एडनिन, ये हमारे यहाँ पे राइबोज और ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एएमपी है ठीक है। तो एडनिन मोनोफॉस्फेट, इसके पास एक ही फॉस्फेट है ना, तो ये क्या किएगा, जो हमारा ये वाला फॉस्फेट है ना, इसके साथ जाके यहाँ पे
बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एएमपी है वो हमारे यहाँ पे बाइंड हो चुका है। बाइंड होने के बाद क्या करेगा ये, इसको यहाँ पे जो 5' फॉस्फेट है उसको एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे OH ग्रुप है वो इसके ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में हमारे यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड हो जाएगा, और जो हमारा एएमपी यहाँ पे बाइंड हुआ था वो हमारा यूं का यूं यहाँ से रिलीज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एएमपी सेल से नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमारा एएमपी रिलीज हो गया, और यहाँ पे हमारा जो डीएनए लाइगेज है वो तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जा ही चुका था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो आप यहाँ पे डीएनए लाइगेज का भी जो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है ना, उसको भी आपको यहाँ पे एक बार ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे डीएनए लाइगेज काम करेगा। ठीक है, कई बार हमारे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टर्मिनेशन के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सबसे लास्ट हमारे यहाँ पे स्टेप रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, एज द इकोलाई जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर शेप टू रेप्लिकेशन फोर्क ऑफ द सर्कुलर इकोलाई क्रोमोसोम मीट्स एट द टर्मिनस रीजन विच कंटेन ए नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द 20 बेस पेयर सीक्वेंस कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है वो हमारा किस शेप में होगा, सर्कुलर शेप में। जैसे कि यहाँ पे हमारे सर्कुलर शेप का हो गया, यहाँ पे क्या होती है कि एक हुई हमारी यहाँ पे ओरिजिन साइट होगी, यहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई। तो हमने क्या बताया था, दो दो हमारे यहाँ पे डायरेक्शन होती है, जिन डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, जो हमारा डीएनए बी था, जो हमारा हेलिकेज, जो हमारा एंजाइम था, वो हमारे यहाँ पे दोनों डायरेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे डीएनए बी हमारे यहाँ पे मूव करेगा तो वो क्या करता है, हमारे यहाँ पे दो फोक के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, एक हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरी हमारे यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये क्या होंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मूव करते करते हमारे यहाँ पे लास्ट में जाके यहाँ पे मीट होंगे, सिमिलरली ये भी हमारे यहाँ पे जाएगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक जगह पे जाके हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो जहां पे ये मिलते हैं ना, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, 20 बेस पेयर सीक्वेंस टर। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे टर सीक्वेंस होगा, टर का मतलब यहाँ पे टर्मिनस से लिया गया है। ठीक है, टर्मिनेशन से, सॉरी, टर्मिनेशन। तो जो हमारे यहाँ पे टर सीक्वेंस होता है ना, ये हमारा कितने बेस पेयर का होगा, 20 बेस पेयर का। और डिफरेंट हमारे यहाँ पे टर सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे टर जे, टर जी, टर एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग टर सीक्वेंस रहेंगे, और ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे टर्मिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे। टर सीक्वेंस एक्ट एज द बाइंडिंग साइट फॉर द टस प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे टर सीक्वेंस होंगे ना, वे हमारे क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट की तरह काम करेंगे, किसके लिए, टस प्रोटीन के लिए। ठीक है, टस जो हम यहाँ पे बात करें ना, टस इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, टर, जो हमारे यहाँ पे टर सीक्वेंस है ना, टर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन सीक्वेंस। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे टर सीक्वेंस के ऊपर जाके हमारे यहाँ पे जो बाइंड होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टस प्रोटीन। ठीक है, दिस टर कॉम्प्लेक्स, जो हमारे यहाँ पे टस प्रोटीन थे, वे टर के ऊपर यहाँ पे जाके हमारे टर सीक्वेंस के ऊपर जाके बाइंड हो चुके हैं, और ये जब यहाँ पे हमारे बाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो टस टर सी कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे जो बना है वो हमारा क्या करेगा, अरेस्ट रेप्लिकेशन फोर्क फ्रॉम द वन डायरेक्शन। और ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो टस प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे हमारी जो फोक यहाँ पे जो चल रही थी ना, उसको यहाँ पे एक ही जगह पे स्टॉप कर देगा, इसको आगे यहाँ पे फर्दर प्रोसीड नहीं होने देगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन से, दूसरे डायरेक्शन से अभी तक हमारी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई है। ठीक है, व्हेन द टू अपोजिट रेप्लिकेशन फोक कोलाइड विद ईच अदर दे हाफ एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस टर्मिनेट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टस प्रोटीन हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हुआ, यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन फोक मूव कर रही थी, जैसे ही ये टस के यहाँ पे, टस और टर के यहाँ पे हमारे इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, तो यहाँ पे हमारी जो रेप्लिकेशन फोक है ना वो हमारे यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब दूसरी तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू भी चल रही है, तो ये जैसे ही हमारे यहाँ पे इस वाले जो हमारे यहाँ पे टस्टर कॉम्प्लेक्स होगा उसके यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आएंगे, या फिर जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट रेप्लिकेशन फोक था उसके जैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आती है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो हमारी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, हाल्ट हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही हमारे यहाँ पे जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसके हमारे यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कंप्लीशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द टोपोलॉजिकल इंटरलिंक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन इनिशिएशन हुई थी, यहाँ पे हमारी कंटिन्यू चलती गई, और यहाँ पे जैसे ही हमारे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे हाल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो रेप्लिकेशन थी उसका हमारे यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो जो हमारे यहाँ पे दो स्ट्रैंड बनेंगे, जैसे कि एक तो हमारा जो ऊपर वाला जो एपेन है जो ब्राउन कलर का, वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो हमारे यहाँ पे जो दिखाया गया ना स्ट्रैंड, ये हमारा कौन सा होगा, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो एक तो हमारा ये वाला यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हो गया, एक हमारा ये वाला यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है ना, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में इंटरलिंक्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा। तो
तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सर्कल्स लिंक्ड इन दिस वे आर नोन एज द कैटेनेस। जो हमारे यहाँ पे इंटरलिंक्ड जो हमारे यहाँ पे डीएनए होते हैं ना, इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैटेनेस हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन द ई कोलाई सेपरेशन ऑफ दिस कैटेनेटेड क्रोमोसोम्स इज ड्रिवन बाय द टोपोइसोमेरेज 4, ए टाइप ऑफ 2 टोपोइसोमेरेज। यहाँ पे हमारा क्या होगा, टोपोइसोमेरेज 2 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इनको क्या कर देगा, एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंजाइम को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखें, कैटेनिन को हमारे यहाँ पे कौन सेपरेट करेगा, जो हमारे यहाँ पे टोपोइसोमेरेज 2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हाउ रेप्लिकेशन इज रेगुलेटेड इन द इकोलाई, इन द इकोलाई सेल्स डैम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एड्स ए मिथाइल ग्रुप टू द ए, यानी कि एडेनिन विद इन द एवरी जीएटीसी सीक्वेंस। देखो तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक डैम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारा एडेनिन होता है जीएटीसी सीक्वेंस के पास, जो हमारे यहाँ पे एडेनिन है ना, इसको क्या कर देता है, मिथाइलेट कर देगा। मिथाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ पे क्या कर देता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जीएटीसी सीक्वेंस हो गया, ये हमारा जीएटीसी सीक्वेंस हो गया, ये हमारे यहाँ पे जीएटीसी सीक्वेंस हो गया, तो इसके अंदर जो एडेनिन होगा ना, उसको क्या कर देगा, यहाँ पे मिथाइलेट कर देगा। ठीक है, नॉर्मली द होल जीनोम इज फुल्ली मिथाइलेटेड एट द जीएटीसी सीक्वेंस। जो हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड जो होंगे ना, दोनों स्ट्रैंड वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे फुली मिथाइलेटेड होंगे, यानी कि दोनों स्ट्रैंड के पास हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एडेनिन के पास जीएटीसी सीक्वेंस के अंदर जो हमारा एडेनिन है, उसके पास हमारा क्या होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच होगा उसके साथ। ठीक है, ऑन रेप्लिकेशन न्यूली फॉर्मड डीएनए स्ट्रैंड इज नॉट मिथाइलेटेड एट द जीएटीसी सीक्वेंस व्हाइल द पेरेंटल स्ट्रैंड वाज ऑलरेडी मिथाइलेटेड। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड थे, इनमें से क्या होगा, ये हमारे स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, न्यूली स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होगा। अब क्या था कि जब ये हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंप्लीटली बाउंड थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले ये वाला स्ट्रैंड था ना, ये इस तरीके से था, तो अब तो क्या है कि दोनों ही हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड क्या होते हैं, मिथाइलेटेड होंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो हमारे जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, न्यूली स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेरेंटल वाला जो हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड है ना, वो तो हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड है, यहाँ पे तो ये हमारा मिथाइलेटेड है जीएटीसी सीक्वेंस के ऊपर, लेकिन जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज है ना, ये हमारे यहाँ पे कैसा होगा, अनमिथाइलेटेड होगा, क्योंकि इनकी मिथाइलेशन हमारा कौन करा था, डैम मिथाइल ट्रांसफरेज, जो हमारा यहाँ पे एंजाइम हमने बताया था ना, डैम मिथाइल ट्रांसफरेज, ये तो हमारा क्या क्या करेगा, इनकी मिथाइलेशन करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे पेरेंटल हो गया, ये हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज है, तो जो हमारे यहाँ पे डैम मिथाइल ट्रांसफरेज है ना, इसको भी तो कुछ टाइम चाहिए होगा ना इनको मिथाइलेट करने के लिए। तो उसी टाइम के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला तो मिथाइलेटेड हो गया, ये वाला स्ट्रैंड हमारा कैसा है, अभी भी अनमिथाइलेटेड, ये हमारा कैसा है, यहाँ पे अनमिथाइलेटेड हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन होगी ना, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेमी मिथाइलेटेड। एक स्टैंड तो हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड है, न्यूली स्टैंड हमारे यहाँ पे कैसा है, अभी मिथाइलेशन उसकी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो हमारे मिथाइलेटेड स्टैंड है और जो हमारे यहाँ पे अनमिथाइलेटेड स्टैंड है, उनके बेस पे हम यहाँ पे जो हमारे पेरेंटल जो स्टैंड है और जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं ना, वो हम किसके लिए यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे दो स्टैंड थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे दो स्टैंड हो गए, एक ये वाला हमारा स्टैंड है, दूसरा हमारा ये वाला स्टैंड हो गया। ठीक है, अब क्या हुए, ये हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता था, एक नया स्टैंड की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई थी, ये हमारे यहाँ पे न्यू स्टैंड की सिंथेसिस हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई एरर तो नहीं हुआ, यहाँ पे हमारी कोई गलत बाइंडिंग तो यहाँ पे हमारी नहीं हुई, मिस पेयरिंग तो यहाँ पे हमारी नहीं हुई। अब यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर यहाँ पे हमारी मिस पेयरिंग हो गई, यहाँ पे हमारा एडेनिन था और इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे थायमिन होना चाहिए था, लेकिन थायमिन ना होके यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा साइटोसिन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिपेयर करना पड़ेगा। अब रिपेयर में क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम यहाँ पे क्या करें, एडेनिन के अपोजिट हम यहाँ पे थायमिन ऐड करें, या फिर हम यहाँ पे साइटोसिन के अपोजिट यहाँ पे ग्वानिन भी तो ऐड कर सकते हैं, ये भी तो हमारे यहाँ पे करेक्ट पेयरिंग हो गया। लेकिन हमें क्या पता है कि हमारी करेक्ट पेयरिंग कौन सी है, एटी वाली, ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ पे ए के अपोजिट टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या ऐड कर दिया, सी कर दिया। तो यहाँ पे जब हमारा जो रिपेयर करने वाला जो मैकेनिज्म यहाँ पे आएगा, तो उसको किस तरीके से पता चलेगा कि उसको कौन से स्टैंड को यहाँ पे करेक्ट करना है, वो तो इसको भी करेक्ट कर सकता है, इसको भी करेक्ट कर सकता है। इसको अगर वो करेक्ट कर देगा, तो ये हमारा क्या हो गया, जीसी हो गया, जबकि हमें बनाना क्या था, एटी बनाना था, यानी कि इस वाले को यहाँ पे करेक्ट करना था। इनमें से वो किस तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि हमारे यहाँ पे कौन सा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, कौन सा हमारे यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है, क्योंकि पेरेंटल को तो कुछ चेंज यहाँ पे नहीं करना, हमें यहाँ पे करेक्ट किसके अंदर करना है, हमें यहाँ पे रिपेयर किसके अंदर करना है, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, यानी कि इस वाले को यहाँ पे रिमूव करके हमें यहाँ पे क्या करना है, थायमिन को ऐड करना है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे थायमिन जो ऐड होता है ना, जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है और जो हमारे यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड है,
इन दोनों की जो हमारे यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज करना, यानी कि इनको यहाँ पे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, मिथाइलेशन हमारे यहाँ पे होगी। अब हमने क्या बताया, जैसे कि हमने पीछे बताया ना कि यहाँ पे हमारे जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है वो हमारा कैसा होगा, मिथाइलेटेड होगा। जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा वो हमारा अभी कैसा है, अनमिथाइलेटेड है। अनमिथाइलेटेड ये क्यों है, क्योंकि अभी तक जो हमारा डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है ना, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। वो जब आ जाएगा तो वो इनको क्या कर देगा, मिथाइलेटेड कर देगा, ठीक है। और मिथाइलेशन के बाद हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते कि कौन सा हमारे यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड था, कौन सा हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से चला गया एक बार, उसने यहाँ पे मिथाइलेशन कर दी, तो वहां पे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा हमारे यहाँ पे पेरेंटल था और कौन सा हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हमारे यहाँ पे जो रिपेयर मैकेनिज्म होगा ना, वो क्या करेगा, इनको यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेगा कि कहीं पे कोई मिस पेयरिंग तो नहीं है। अगर वहां पे मिस पेयरिंग है तो वो वहां पे क्या करेगा, जो हमारा अनमिथाइलेटेड होगा उसके अंदर ये यहाँ पे बेस को यहाँ पे रिमूव करके उनकी जगह क्या कर देगा, करेक्ट बेस पेयर को यहाँ पे, करेक्ट बेस को यहाँ पे प्लेस कर देगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे हम पेरेंटल को और जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज जो हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड है उनको किस तरीके से यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पेरेंटल होंगे वो हमारे कैसे होंगे, मिथाइलेटेड होंगे। जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे वे हमारे कुछ टाइम के लिए यूएस, ऐसा नहीं है कि हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हमारे कभी भी मिथाइलेटेड नहीं होंगे। जैसे हमारा डैम मिथाइल ट्रांसफरेज आएगा वो इनको यहाँ पे मिथाइलेटेड कर देगा, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, ये हमारे हेमीमिथाइलेटेड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। ऑन रेप्लीकेशन, जैसे हमारे यहाँ पे रेप्लीकेशन हुई, न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड इज नॉट फुल्ली मिथाइलेटेड एट द जीएटीसी सीक्वेंस व्हाइल द पेरेंटल स्ट्रैंड आर ऑलरेडी मिथाइलेटेड, देयरफॉर रिसेंटली रेप्लीकेटेड साइट विल बी मिथाइलेशन ऑन ओनली वन स्ट्रैंड कॉल्ड एज द हेमीमिथाइलेटेड। और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हेमीमिथाइलेटेड। इसमें एक जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है वो तो हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड है, और न्यूली सिंथेसाइज अभी जो हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड है वो अभी तक हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड नहीं हुआ है। दिस हेमीमिथाइलेटेड स्टेट ऑफ द न्यूली रेप्लीकेटेड ओआरआईसी डीएनए इज डिटेक्टेड बाय ए प्रोटीन कॉल्ड एज द सेक ए। यहाँ पे जो हमारी हेमीमिथाइलेटेड जो हमारे यहाँ पे स्टेट है ना, उसको हमारे यहाँ पे डिटेक्ट कौन करता है, सेक ए प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। सेक ए बाइंड्स टू दिस साइट बिफोर दे कैन बिकम फुल्ली मिथाइलेटेड बाय द डैम मिथाइल ट्रांसफरेज। सेक ए बाइंड्स हैज द टू कॉन्सिक्वेंसेस। देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारे यहाँ पे अनमिथाइलेटेड हेमीमिथाइलेटेड हमारे यहाँ पे स्टेट थी, जिसके अंदर एक स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड है, दूसरा हमारे यहाँ पे अनमिथाइलेटेड है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा सेक ए प्रोटीन है वो इस कंडीशन को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और वो जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे कौन सी स्टेट है, एक तो हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड है, ये हमारा मिथाइलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे सेक ए प्रोटीन होगा वो यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, यहाँ पे भी जाके बाइंड हो गया, यहाँ पे भी बाइंड हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे जो सेक ए प्रोटीन है ना वो यहाँ पे बाइंड होता है, तो उसके हमारे यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इट ड्रामेटिकली रिड्यूस द रेट ऑफ जीएटीसी मिथाइलेशन। एक तो जो यहाँ पे हमारा जो सेक ए प्रोटीन है वो यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारा डैम मिथाइलेज मिथाइल ट्रांसफरेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर यहाँ पे इसकी मिथाइलेशन ये जल्दी सी नहीं होने देगा, इसको ये रिड्यूस करेगा, इसको एलिमिनेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा जब सेक ए यहाँ पे हमारा बाइंड हो गया तो अब यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर हमारी मिथाइलेशन होने ही देगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिथाइलेशन को यहाँ पे हॉल्ट कर देगा, उसको पॉज कर देगा कि अभी नहीं, इसकी मिथाइलेशन अभी नहीं करनी, एक बार हम इसकी यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं, चेकिंग जैसी होगी आप यहाँ पे मिथाइलेशन करने देगा, ठीक है। तो वो किसका काम होगा, जो हमारा सेक ए प्रोटीन यहाँ पे होगा, ठीक है। और दूसरा इसका क्या काम होता है, सेक ए प्रिवेंट द डीएनए ए फ्रॉम बाइंडिंग टू द ओआरआईसी एंड इनिशिएटिंग ए न्यू राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। देखो अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक न्यूली सिंथेसाइज हमारे यहाँ पे स्टैंड बन गया था, ठीक है। अभी इसके हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी इसके लिए हमें यहाँ पे पहले चेकिंग करनी है इसकी, कि क्या यहाँ पे जो हमारी रेप्लिकेशन हुई है क्या वो हमारी ठीक है या फिर नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो बेस पेयरिंग है वो हमारी करेक्ट है या फिर नहीं है। प्रूफ रीडिंग तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसकी प्रूफ रीडिंग को यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, पहले हमारे यहाँ पे आएगा सेक ए। सेक ए यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारी हेमीमिथाइलेटेड स्टेट है वहां पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला तो ये क्या करेगा, जो हमारा डैम मिथाइलेज मिथाइल ट्रांसफरेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है उसको यहाँ पे एक्ट नहीं करने देगा, उसको यहाँ पे क्या कर देगा, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देगा कि आप रुको एक बार, हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो बाइंडिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, जो बेस पेयरिंग यहाँ पे हुई है वो करेक्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे इनकी मिथाइलेशन कर देना। पहला तो इसका ये काम हो गया। दूसरा इसका क्या काम होता है कि जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि डीएनए ए जो हमारा एंजाइम था, डीएनए ए जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन था, वो
वो हमारा क्या करता था, वो हमारा रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाता था। सबसे पहले काम तो इसी का ही होता था, वो क्या करता था ORIC साइट के ऊपर जाके बाइंड करके वहां पे हमारे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा देता था। तो जो हमारे यहाँ पे सेक ए प्रोटीन होगा ना, वो क्या करेगा, डीएनए ए को भी यहाँ पे बाइंड नहीं करने देगा। जैसे कि डीएनए ए यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे कहेगा कि चलो रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड हो गया, एक ये स्टैंड है दूसरा ये स्टैंड है, और ये हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे डीएनए ए आया, वो क्या कह रहा है कि आपके यहाँ पे आया, और वो आगे यहाँ पे बोल रहा है कि हम चलो यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे कौन है, सी ए प्रो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, वो क्या करेगा कि अभी हमें इसकी यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं करनी है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे जो हमारी रेप्लिकेशन, जो हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। पहले हम यहाँ पे बेस पेयरिंग को चेक करेंगे। बेस पेयरिंग को चेक करने के बाद यहाँ पे हमारा डाइम मिथाइल ट्रांसफरेज काम करेगा, वो इनको मिथाइलेटेड करेगा। फिर आके हमारे यहाँ पे डीएनए ए है, वो यहाँ पे आके बाइंड कर सकता है, और फिर वो वहाँ पे रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकता है। तो जो सेक ए प्रोटीन है ना, वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, दो रोल थे उसके, एक तो यहाँ पे हमारा जो डाइम मिथाइल ट्रांसफरेज है उसकी एक्टिविटी को रोक रहा है। अगर ये हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा सेक ए प्रोटीन, तो जो डाइम मिथाइल ट्रांसफरेज है, जैसे हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हुआ, तो वो वहां पे जाके क्या कर देगा, उसको मिथाइलेटेड कर देगा। और जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म था, उसके आने से पहले ही हमारे यहाँ पे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज था, कौन सा हमारे यहाँ पे पेरेंटल था, तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम रहेगी। सेकंड, ये क्या काम कर रहा था कि जो हमारी रेप्लिकेशन इनिशिएशन है, अभी स्टैंड बना है और अभी इसकी यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैरिज के लिए भी एक एज रहेगी 18 ईयर, तो वही हमारे यहाँ पे किसका काम रहेगा, सेक एक, वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या इसकी एज इतनी हो चुकी है कि ये हमारे यहाँ पे फर्दर रेप्लिकेशन के लिए हमारे यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा या फिर नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा किसका काम होता है, जो हमारे यहाँ पे सेक ए प्रोटीन होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक ए प्रोटीन। और ये जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, GATC सीक्वेंस वाला, इसके मिथाइलेशन वाला, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। कई बार हमारे इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें DBT, बेट, CRF या फिर CSIR नेट या फिर गेट एक्सेल के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिस प्रिवेंट द रैपिड री इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन फ्रॉम द टू न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड डॉटर कॉपीज ऑफ द ORIC। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाती है, जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर हमारी डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो हमारी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है। और जैसे कि हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो हमारी रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होगी, वो हमारी यूकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोट्स, दोनों के अंदर हमारे इनके जो मेजर स्टेप्स रहेंगे वो हमारे कौन कौन से रहेंगे, पहला हमारे यहाँ पे इनिशिएशन, देन हमारे यहाँ पे इलोंगेशन, लास्ट हमारे यहाँ पे टर्मिनेशन। तो सिमिलर हमारे यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर आने वाले वही स्टेट्स यहाँ पे रहेंगी। पहला हम यहाँ पे किसको स्टडी करते हैं, इनिशिएशन के बारे में। इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन। इन यूकैरियोट्स देयर इज ए सिक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ORIC, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ORIC का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, व्हिच रिकॉग्नाइज ए कंजर्व्ड सीक्वेंस फाउंड इन द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। इन यीस्ट ORIC रिकॉग्नाइज द ए एलिमेंट एंड B1 एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ORIC होगा, वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे ORIC जैसे हमारी साइट होती थी ना पीछे, जो हमारा डीएनए ए एंजाइम जब वहां पे हमारा जाके बाइंड होता था, तो सिमिलर हमारे यहाँ पे डीएनए ए की जगह हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ORIC हमारे यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और ये हमारा क्या करेगा, जहां से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वहां पे जाके ये बाइंड करेगा। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज द कंजर्व सीक्वेंस फाउंड इन द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वहां पे हमारा जाके ORIC जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और उसके भी कितने, सिक्स प्रोटीन, ये जो हमारे यहाँ पे ORIC है ना उसके अंदर हमें कितने प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलता है, सिक्स प्रोटीन। ORIC हैज ए 5AAA पॉजिटिव ATPase डोमेन एंड इज फंक्शनली एनालॉग टू द बैक्टीरिया डीएनए। पीछे हमने बताया था ना कि हमारा जो ORIC होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा किसकी तरह काम करता है, डीएनए ए की तरह। एच सेल एंटर द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, ORIC बाउंड टू द ओरिजिन रिक्रूट टू हेलिकेज बाइंडिंग लोडिंग प्रोटीन्स CDC6 एंड CDT1। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा जो सेल है वो हमारा G1 फेज के अंदर हमारे यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने सेल साइकिल पढ़ा है ना, तो उसके अंदर हमारा जो G1 फेज होगा, तो जैसे ही हमारा जो सेल है ना वो हमारा G1 फेज के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ORIC है वो हमारा क्या करेगा, बाउंड टू द ओरिजिन रिक्रूट टू हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन CDC6 एंड CDT1। देखो जो हमारे यहाँ पे ORIC है, जैसे ही हमारे यहाँ पे G1 फेज होगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे दो प्रोटीन को यहाँ पे रिक्रूट करेगा, किस किस को, एक तो CDC6 को और एक हमारे यहाँ पे CDT1 को। ठीक है, इनको यहाँ पे लेके आएगा, कब, जब हमारे यहाँ पे G1 फेज था। ठीक है, टू अदर प्रोटीन CDC6 सेल डिवीजन साइकिल एंड द CDT1 लोड द MCM27 कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे जो CDC6 और जो CDT1 ये हमारे यहाँ पे बाइंड होते हैं, तो उसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स है वो भी हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ क्या होता है, ATP हाइड्रोलाइजेस बाय द CDC6
रिक्रूट रिजल्ट इन द लोडिंग ए हेड टू हेड डाइमर ऑफ द MCM27 कॉम्प्लेक्स, जो हमारे यहाँ पे CDC6 था उसकी जैसे ही हमारे यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस हुई तो वो क्या कर देगा, वो हमारे यहाँ पे लोड करवा देगा किसको, जो हमारे यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो ये भी किस फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में, जैसे कि एक हमारा ये वाला हो गया और एक हमारा ये वाला, ये हमारे डाइमर हो गए, एक ये सबनेट एक ये सबनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे CDC6 है उसने यहाँ पे किसकी लोडिंग करवा दी, जो हमारे यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स है। ड्यूरिंग दिस इवेंट CDT1 एंड द CDC6 आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे ये हमारे यहाँ पे जो MCM27 कॉम्प्लेक्स है वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, तो जो हमारे यहाँ पे CDC6 और जो हमारे यहाँ पे CDT1 है वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इनका काम सिर्फ क्या था, जो हमारे यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स था उसको यहाँ पे बाइंड करवाना, उसको रिक्रूट करना। MCM27 कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक हेलिकेज, जो हमारे यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये हमारे क्या होता है, हेलिकेज की तरह काम करेगा। जैसे कि हमने पीछे बात की थी ना डीएनए बी के लिए, तो हमारे यहाँ पे डीएनए बी के एनालॉग हमारे यहाँ पे क्या होगा, MCM27 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लोडिंग डज नॉट लीड टू द इनिशियल इमीडिएटली अनवाइंडिंग ऑफ द ओरिजिन डीएनए, दीज आर लोडेड ड्यूरिंग द जीवन फेज एंड आर ओनली एक्टिवेटेड इन द अन टू अनवाइंड द डीएनए एंड इनिशिएट रेप्लिकेशन आफ्टर द सेल पास फ्रॉम द G1 टू द S फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे जो ORIC था, ORIC हमारा क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे ओरिजिन साइट थी वहां पे जाके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद उसने क्या किया, CDC6 और CDT1 को यहाँ पे रिक्रूट कर लिया। इनके साथ इन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे CDC6 और CDT1 थे उन्होंने यहाँ पे रिक्रूट कर दिया MCM27 कॉम्प्लेक्स को, इस फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे कौन सा फेज था, G1 फेज था। यहाँ से हमारे जो CDC6 थे और CDT1 थे वो हमारे यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे G1 फेज के अंदर यहाँ पे हमारा जो MCM27 कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारा क्या है, एक हेलिकेज एंजाइम है, वो यहाँ पे हमारा बाइंड तो हो चुका है G1 फेज के अंदर, लेकिन वो हमारा अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट ये कब होगा, जब हमारा जो सेल है वो हमारा S फेज के अंदर एंटर कर देगा। जैसे ही हमारे यहाँ पे S फेज के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे हमारा जो हेलिकेज एंजाइम है MCM27 कॉम्प्लेक्स, वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और हेलिकेज का काम क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करना, तो वो हमारे यहाँ पे इनको सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारा किसका काम होगा, MCM27 कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और वो कब हमारे यहाँ पे होगा, जब हमारे यहाँ पे जो सेल है वो हमारा S फेज के अंदर एंटर कर देगा। अब ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि वो हमारा बाइंड तो यहाँ पे G1 फेज में ही हो गया, लेकिन वो एक्टिवेट कब हो रहा है हमारा, जब हमारा जो सेल है वो हमारा S फेज के अंदर एंटर करेगा। तो वो इतना वेट यहाँ पे क्यों कर रहा है, जो हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा हेलिकेज एंजाइम है, वो S फेज की यहाँ पे वेट क्यों कर रहा है कि S फेज आएगा तभी मैं एक्टिवेट हूंगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन होंगे जो कि इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। लोडेड हेलिकेज, जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज कौन सा था, MCM27 कॉम्प्लेक्स था। अब ये जो हमारे यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स या फिर जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज है, जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लोड हो चुका है G1 फेज के अंदर, आर एक्टिवेटेड बाय द टू प्रोटीन काइनेज CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड द DDK। जो हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स है ना, ये हमारा क्या होता है, इसकी एक्टिविटी हमारे यहाँ पे डिपेंड होती है काइनेज एंजाइम्स के ऊपर। कौन कौन से, एक तो CDK और एक हमारे यहाँ पे DDK, ठीक है। इनके ऊपर इसकी एक्टिविटी यहाँ पे डिपेंड करती है। DDK टारगेट्स द लोडेड हेलिकेज, जो हमारे यहाँ पे DDK है वो हमारा किसको यहाँ पे टारगेट करता है, लोडेड हेलिकेज को। एंड CDK टारगेट द टू अदर रेप्लिकेशन प्रोटीन्स, DDK फॉस्फोराइड द लोडेड MCM27 हेलिकेज एंड CDK फॉस्फोराइलेट द SLD1 एंड SLD3। देखो जो हमारे यहाँ पे DDK है वो हमारा किसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देगा, जो हमारे यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स यानी कि हेलिकेज एंजाइम है, इसको क्या किया, इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमारा DDK है उसने किसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज है। जो हमारा CDK है ये हमारा किसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करता है, SLD2 और SLD3 को, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड SLD2 एंड SLD3 बाइंड्स टू द DPP11 प्रोटीन। यहाँ पे जो हमारे ये दोनों प्रोटीन है वो हमारे किसके साथ यहाँ पे बाइंड होंगे, DPP11 प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब उससे यहाँ पे क्या होगा, एंड दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारे यहाँ पे ये तीनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ दैट हेलिकेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन CDC45 एंड GINS2 द हेलिकेज। जैसे ही हमारे यहाँ पे ये वाले जो एंजाइम, दोनों हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन थे वे हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हुए, इन्होंने क्या किया, DPP11 के साथ यहाँ पे मिलके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की। ये जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा इन तीनों से मिलके, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे CDC45 और जो हमारे यहाँ पे GINS है उनको क्या कर देगा, उनको यहाँ पे बाइंड करवा देगा हेलिकेज के साथ। बाइंडिंग ऑफ द CDC45 एंड GINS एक्टिवेट द MCM27 हेलिकेज एक्टिविटी।
ये जो हमारे यहाँ पे GINS और जो हमारे यहाँ पे CDC45 है, जैसे ही हमारे यहाँ पे बाइंड होंगे तो ये क्या कर देंगे, जो ये हमारे किसके साथ बाइंड होंगे, जो हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स यानी कि जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम है, तो जैसे ही ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड होते हैं तो ये क्या कर देंगे, हेलिकेज को एक्टिवेट कर देंगे। डीएनए पॉलीमरेज ईटा इज रिक्रूटेड टू द हेलिकेज बिफोर द डीएनए अनवाइंडिंग व्हाइल द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज एंड द डीएनए पॉलीमरेज थीटा सॉरी डेल्टा आर ओनली रिक्रूटेड आफ्टर द डीएनए अनवाइंडिंग। अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, तीन हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज होंगे, आगे हम उनको यहाँ पे स्टडी भी करके चलेंगे। तो एक तो हमारे यहाँ पे होता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, एक हमारे यहाँ पे होगा अल्फा और एक हमारे यहाँ पे होता है थीटा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन होगा ना, ये तो हमारा क्या कर देगा, देखो हमारे यहाँ पे हेलिकेज हमारा क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इनकी अनवाइंडिंग होने से पहले ही हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन होगा वो तो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, जैसे कि ये तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड हो जाएगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे अल्फा और जो हमारे यहाँ पे डेल्टा जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम होंगे वे हमारे यहाँ पे कब बाइंड होंगे, जब हमारे ये एक दूसरे सेपरेट हो ही जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जब इनकी यहाँ पे डीनेचुरेशन हो ही जाएगी, अनवाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हेलिकेज है वो हमारा कब एक्टिवेट होगा, जब हमारे यहाँ पे एस फेज हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एस फेज में ये कब यूं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ये एंजाइम है ना CDK और जो हमारे यहाँ पे DDK है वो हमारे कब बनेंगे, जब हमारा यहाँ पे एस फेज होगा, एस फेज में हमारे ये दोनों एंजाइम यहाँ पे बनेंगे, ये दोनों बनेंगे तभी हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो पाएगा। ठीक है, तब तक ये एक्टिवेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चाहे बाइंड जरूर यहाँ पे हमारा जीवन फेज के अंदर हो जाता है, लेकिन ये हमारा एक्टिवेट कब होता है, जब हमारे यहाँ पे एस फेज एंटर कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेप कौन सा होता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन में यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, आउट ऑफ ऑल दीज 3 डीएनए पॉलीमरेज आर एसेंशियल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम व्हिच सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर इनरोल्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होगा ये हमारा किस की तरह काम करता है, जो हमारा डीएनए प्राइमेज प्राइमर सिंथेसिस की तरह, ये क्या करेगा, डीएनए प्राइमर की यहाँ पे सिंथेसिस करेगा, और इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्राइमेज एंजाइम भी यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे अल्फा जो होता है ना वो हमारा प्राइमर यहाँ पे प्राइमेज एक्चुअल में नहीं होता, जो हमारा अल्फा है ना वो सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा प्राइमेज यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसकी हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा जो प्राइमेज है ना वो हमारा सेपरेट एक एंजाइम है, अलग से हमारा एंजाइम है, और जो हमारा अल्फा यहाँ पे होता है ना वो हमारा क्या करता है, इस प्राइमेज की हेल्प करेगा प्राइमर सिंथेसिस के अंदर। ये खुद यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस नहीं करेगा, ये यहाँ पे सिर्फ हेल्प करवा रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमेज जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है उसको ही हम कई बार यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो अल्फा है ना वो हमारा क्या होता है, वो सिर्फ वहाँ पे हेल्प करवाता है, उसको एक्टिवेट करवाएगा, उसको वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेगा, उसके असिस्टेंट की तरह काम करेगा प्राइमेज की। ठीक है, और वहाँ पे हमारा क्या कर देगा, प्राइमर की सिंथेसिस करवा देगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये हमारा क्या करेगा, सिंथेसाइज द लीडिंग स्ट्रैंड, और जो हमारा डेल्टा होगा पॉलीमरेज वो हमारा क्या करेगा, सिंथेसाइजिंग ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो हमारा एप्सिलॉन है वो हमारा क्या कर रहा है, लीडिंग, और जो हमारे यहाँ पे डेल्टा होगा वो हमारे क्या करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस। जो हमारा अल्फा है वो तो क्या कर देगा, दोनों ही तरफ, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस करवा देगा, प्राइमर की जैसी सिंथेसिस होगी तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारे पे हमारा जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहां पे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, और जहाँ पे हमारे डेल्टा जो होगा वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। वे इनको क्या कर देते हैं, जो हमारे यहाँ पे अल्फा है उसको क्या कर दिया इन्होंने, डिस्प्लेस कर दिया लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर, तो हमारा कौन आ गया, एप्सिलॉन, और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर हमारे यहाँ पे कौन आ जाता है, डेल्टा। और ये जो हमारे यहाँ पे स्विचिंग चल रही है कि जो हमारा अल्फा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज स्विचिंग। ठीक है, आगे हम यहाँ पे इसको भी स्टडी करते हैं। इनिशियली डीएनए पॉलीमरेज अल्फा स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड विद द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए प्राइमर, आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ ए फ्यू न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर। यहाँ पे जैसे हमारी आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज रिमूव्ड ड्यू टू इट्स लो प्रोसेसिविटी एंड इज रिप्लेस्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा विद द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड द डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज द पॉलीमरेज स्विचिंग। द कंबाइंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज प्रोडक्ट इज बिटवीन द 50 to 100 बेस पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो प्राइमर की लेंथ होगी वो हमारे कितने होते हैं, यहाँ पे 50 to 100 बेस पेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा होगा वो हमारा क्या करता है, प्राइमर सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा, एप्सिलॉन क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस
डेल्टा हमारे यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड की, बीटा हमारे यहाँ पे क्या करेगा बेस एक्साइज रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर हमारी हेल्प करेगा। जो गामा होता है वो क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। जो हमारी थीटा होगा वो क्या करेगा डीएनए रिपेयर ऑफ द क्रॉस लिंक्स। जो हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लैम्डा जो होता है वो क्या करेगा मियोसिस एसोसिएटेड डीएनए रिपेयर। जो हमारे यहाँ पे म्यू होगा वो क्या करेगा सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन। जो हमारे नीटा होगा वो क्या करेगा रिलेटिवली एक्यूरेट टीएलएस फास्ट सिस सिन साइक्लोब्यूटेन डाइमर। और जो हमारे यहाँ पे कापा होता है वो क्या करेगा टीएलएस ट्रांसलेशन सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उनके फंक्शन यहाँ पे होते हैं। जो हमारे यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो प्राइमर रिमूवल प्रोसेस होगी उसके अंदर हमारे कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व रहेंगे। एक हमारे यहाँ पे होगा आरएनएज एच और एक हमारे यहाँ पे होता है FEN1 यानी कि फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्मिनेशन आएगा यूकेरियोट्स के अंदर भी। तो टर्मिनेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है द नीड फॉर द आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट ऑल डीएनए सिंथेसिस क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द रेप्लिकेशन एट द ऑफ द एंड ऑफ द लीनियर क्रोमोसोम कॉल्ड एज द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ओनली। लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस नीड्स मल्टीपल आरएनए प्राइमर व्हिच मींस दैट ए कंप्लीट कॉपी ऑफ इट्स टेम्पलेट कैन नॉट बी मेड इवन इफ द एंड ऑफ द लास्ट आरएनए प्राइमर फॉर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस एनील टू द फाइनल बेस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। वंस दिस आरएनए मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड दिस विल रिमेन ए शॉर्ट रीजन ऑफ द नॉन रेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। दिस शॉर्टनिंग ऑफ द स्ट्रैंड अकर इन ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डॉटर सेल्स बट आफ्टर द सेल डिविजन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द वन डॉटर सेल विल बी शॉर्टन्ड। दिस स्लो बट कंटिन्यूस शॉर्टनिंग ऑफ द डीएनए रेप्लिकेटिवली लीड्स टू द लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम द यूकैरियोटिक सेल यूजेस द प्रोटीन एंजाइम प्राइमर्स प्रोटीन और टेलोमेरेज एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे एक हमारा ये वाला स्ट्रैंड था एक हमारा ये वाला स्ट्रैंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5' टू 3', ये हमारे यहाँ पे 3' टू 5'। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है एक स्टैंड तो हमारे यहाँ पे लैगिंग स्टैंड की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस करेगा और एक हमारे यहाँ पे लीडिंग स्टैंड की यहाँ पे हमारी सिंथेसिस करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे यहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई ये हमारे यहाँ पे 5', ये हमारे यहाँ पे 3'। अपर वाले स्टैंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा ये हमारे यहाँ पे डायरेक्शन चलेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5', ये हमारे यहाँ पे 3', ये तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चल गया। लेकिन दूसरे स्टैंड हमारे यहाँ पे क्या होगा कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टैंड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 5', सॉरी ये हमारे यहाँ पे हाँ ठीक है ये हमारे यहाँ पे 5', ये हमारे यहाँ पे 3', ये 5', ये हमारे यहाँ पे 3', ये 5', ये हमारे यहाँ पे 3'। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए था। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो सिंथेसिस हो रही है वो हमारी किस डायरेक्शन में हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा पहले हमारे यहाँ पे एक प्राइमर ऐड होगा। ठीक है, अगर हमारी डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाती है ये हमारे यहाँ पे 5', यहाँ पे हमारा 3', और डायरेक्शन हमारी ये वाली चल रही थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा पहले तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी बाइंड होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्राइमर बाइंड हुआ, यहाँ पे भी हमारा प्राइमर बाइंड हुआ, यहाँ पे भी हमारा प्राइमर बाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि जैसे हमने यहाँ पे ये तो हमारा चलो यहाँ पे डीएनए था ये वाला पोर्शन तो हमारा डीएनए ही है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे पोर्शन है ना ये हमारा किसका है आरएनए का है। अब हमने क्या बताया था कि जो हमारा पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा उसको क्या चाहिए होगा प्राइमरी यहाँ पे चाहिए होगा तभी तो यहाँ पे ये सिंथेसिस कर पाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ देखो कोई भी हमारा पॉलीमरेज है ना वो हमारा कैसा होगा वो हमारा अपनी ओर से सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसको यहाँ पे क्या चाहिए होगा उसको यहाँ पे 3OH उसको यहाँ पे चाहिए होगा। अब अगर मैं बात करूं इनकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या है 5' टू 3'। अब अगर मैं बात करूं कि इसको हमने रिमूव कर दिया जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो प्राइमर था ना इसको तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया तो इसकी सिंथेसिस के लिए तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 3', ये हमारे यहाँ पे 5', यहाँ पे हमारा 3', तो इसके पास यहाँ पे क्या है OH है और इसको हम यहाँ पे यूज करके इस सिंथेसिस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे मैंने इस प्राइमर को यहाँ पे रिमूव किया तो इसके 3OH को हम यहाँ पे यूज करके ये जो हमारे यहाँ पे 3' पे OH है तो इसको हम यहाँ पे यूज करके इस सिंथेसिस को भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लास्ट वाले इसकी तो यहाँ पे हमने जैसे प्राइमर को रिमूव किया तो यहाँ पे ये हमारा स्टैंड अभी बचा हुआ है ना इसके कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ बच गया। जैसे कि लास्ट वाले अगर मैं यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक तो देखो ये हमारे यहाँ पे सिंथेसिस हो गई थी। ठीक है, ये जो पोर्शन था ये हमारा किसका था प्राइमर का था तो प्राइमर को जैसे ही हमने यहाँ पे रिमूव किया तो इसकी सिंथेसिस के लिए यहाँ पे कोई भी हमारा 3' OH तो है ही नहीं तो इसको यहाँ पे कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे दो मैकेनिज्म होते हैं एक हमारे यहाँ पे होता है प्राइमरी प्रोटीन और एक हमारे यहाँ पे होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज यहाँ पे क्या होता है जैसे कि आगे हम बात करते हैं टीलोमरेज के लिए जो हमारे यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम होगा
जो पहले मैं पे चलो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे प्राइमिंग प्रोटीन है, प्राइमिंग प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्राइमिंग प्रोटीन हमारा एक यहाँ पे प्रोटीन रहेगा जो कि क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके हमारा बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे ये 5 प्राइम है, ये यहाँ पे 3 प्राइम है। ठीक है, ये जो प्राइमिंग प्रोटीन है ये एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रोटीन हमारा होगा और उसी के साथ हमारा क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे 3 प्राइम OH इसके पास होगा। और जो ये हमारा यहाँ पे 3 प्राइम है ना, इसी को यूज करके जो हमारा पॉलीमरेज होगा वो इसके यहाँ पे सिंथेसिस करवा देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे प्राइमिंग प्रोटीन को हम यहाँ पे यूज करके इस स्ट्रैंड को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे इस स्ट्रैंड की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो रही थी ना, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते थे, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पे बोलते थे। क्योंकि एंड के ऊपर हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन हो ही नहीं रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी 3 प्राइम OH मिलने को तैयार ही नहीं था जिसकी हेल्प करके हम यहाँ पे इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर पाए। तो उसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे उनका प्राइमिंग प्रोटीन और एक हमारे यहाँ पे होता है टेलोमरेज। ये दोनों अलग अलग एक्ट करेंगे, यू नहीं है कि ये दूसरे को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ये प्राइमिंग प्रोटीन हमारा अलग काम करता है और टेलोमरेज हमारे यहाँ पे अलग तरीके से काम करेगा। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे प्राइमिंग प्रोटीन है, तो प्राइमिंग प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा। अब इसको क्या चाहिए, सिंपली इसको यहाँ पे 3 प्राइम OH तो चाहिए, और क्या चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन यहाँ पे होगा जो यहाँ पे क्या करेगा, 3 प्राइम OH इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये यहाँ पे जाके बाइंड हुआ और इसको यहाँ पे यूज करके हमारे यहाँ पे इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे काम क्या रहेगा कि जैसे हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, तो जो हमारा ये वाला जो प्राइमिंग प्रोटीन है वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड ही रहेगा, इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर ये हमारा जो प्राइमिंग प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे बाइंड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, इसकी सिंथेसिस यहाँ पे हुई, तो अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो यहीं पे ही रहेगा, ये अब यहाँ से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे प्राइमिंग प्रोटीन था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, टीलोमरेज। तो टीलोमरेज हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टीलोमरेज के लिए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, टीलोमरेज मेथड। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक्स यूज टीलोमरेज एंजाइम टू सॉल्व द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये हमारा किस तरीके से काम करेगा, द एंड ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर कॉल्ड द टीलोमियर्स। जो हमारे यहाँ पे एंड्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स, विच आर यूजुअली मेड अप ऑफ द रिपीट्स ऑफ द टीजी रिच डीएनए सीक्वेंस। ह्यूमन टीलोमरेज कंसिस्ट ऑफ द मैनी हेड टू टेल रिपीट्स ऑफ द सीक्वेंस 5 प्राइम TTA GGG 3 प्राइम। ठीक है, टीलोमरेज इज ए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एक हमारा राइबो प्रोटीन होता है, राइबो प्रोटीन एंजाइम दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट एंड ए आरएनए काउंटर कंपोनेंट। जो हमारा टीलोमरेज है ये हमारा क्या होगा, एक राइबो प्रोटीन होगा। राइबो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर हमें यहाँ पे आरएनए भी हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हमें प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस किस का बना होता है, मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट और एक हमारे यहाँ पे आरएनए कंपोनेंट। आरएनए हमारा कितना होगा, एक ही कंपोनेंट होगा, मल्टीपल हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे एक ही आरएनए और मल्टीपल हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स है। ठीक है, इट एक्सटेंड द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए सब्सट्रेट। हाउएवर टीलोमरेज डज नॉट नीड एन एक्सोजेनस डीएनए टेम्पलेट टू डायरेक्ट द एडिशन ऑफ द न्यू डीएनटीपीज, बिकॉज आरएनए कंपोनेंट ऑफ द टीलोमरेज सर्व एज द टेम्पलेट फॉर एडिंग द टीलोमियर सीक्वेंस टू द 3 प्राइम टर्मिनस। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड था हमारा पेरेंटल, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, ये हमारा न्यू स्ट्रैंड था। तो अब यहाँ पे हमारा जो टीलोमरेज होता है ना वो क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे इसके हमने क्या बताया, जो हमारा टीलोमरेज है इसके पास क्या होता है, मल्टीपल हमारे यहाँ पे प्रोटीन होंगे और एक हमारे यहाँ पे आरएनए होगा। ठीक है, आरएनए कंपोनेंट होगा, तो ये अपने आपके जो आरएनए कंपोनेंट है ना इसको यहाँ पे यूज करके ये क्या करेगा, जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है इसको यहाँ पे इलोंगेट कर देगा। जैसे कि इसने यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड को इलोंगेट कर दिया, फर्दर और भी ज्यादा इलोंगेट कर दिया, फर्दर और ज्यादा इलोंगेट कर दिया, तो इस तरीके से क्या करता है, इसको यहाँ पे इलोंगेट करता रहेगा। ठीक है, अब पहले क्या हो रहा था, देखो हमारा यहाँ पे स्ट्रैंड यहाँ तक था, सिर्फ हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज यहाँ पे हो रहा था वो यहीं तक हो रहा था बस। तो ये वाला हमारा पोर्शन क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे इसकी हमारी रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो अब हमने क्या कर दिया कि इसको हमने यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर ये हमारे यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है तो हमारी रेप्लिकेशन जो होगी वो हमारी कहाँ तक होगी, यहाँ तक हो जाएगी। और अगर हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाती है तो बस हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व, हमें तो यहीं तक प्रॉब्लम यहाँ पे रेप्लिकेशन चाहिए थी ना, इसकी तो हमें यहाँ पे रेप्लिकेशन चाहिए नहीं। तो अगर यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन अगर ना भी हो तो हमें यहाँ पे इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो टीलोमेरेज एंजाइम है ना वो क्या कर देता है, जो पेरेंटल हमारे यहाँ पे स्टैंड होगा उसको फर्दर ओलिंगेट कर देगा, और इलोंगेट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज जो हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है उसकी हमारे यहाँ पे कंप्लीट सिंथेसिस हमारे यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है ना वो हमारे यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह हमारे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी रेप्लिकेशन होनी चाहिए थी, यहाँ तक हो गई, ये हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपने ऊपर यहाँ पे एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके यहाँ पे क्या बना देता है, एक हमारे यहाँ पे लूप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेगा।
है, खुद के साथ ये पेयरिंग यहाँ पे कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, तो पहले अगर हम यहाँ पे टेलोमेरेज की थ्योरेटिकल सारे यहाँ पे पोर्शन को कंप्लीट करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ द टेलोमेरेज इज ड्यू टू द आरएनए कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द टेलोमेरेज आरएनए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्बियम यहाँ पे बोल सकते हैं। दिस सीक्वेंस ऑफ द आरएनए इंक्लूड अ शॉर्ट रीजन दैट इनकोड अबाउट 1.5 कॉपी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टेलोमेरेज। फॉर ह्यूमन इट इज 5'AAU CCC AAU C3'। वन ऑफ द प्रोटीन सबयूनिट ऑफ द टेलोमेरेज कॉल्ड द टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज TRT इज ए मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ डीएनए पॉलीमरेज दैट यूजेस आरएनए टेम्पलेट कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ना, जो हमारे यहाँ पे टेलोमेरेज है, वो हमारा क्या कर रहा है, वो बिना किसी टेम्पलेट के अपने ही आरएनए से, ये क्या था इसका आरएनए कंपोनेंट था, आरएनए से क्या कर रहा है, डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम आरएनए टू डीएनए, जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस के फॉर्मेशन होती है ना, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ना, वो क्या कर रहा है, हमारे उसके पास कौन सी एक्टिविटी होगी यहाँ पे, TRT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे यहाँ पे हो जाता है। बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंडेड 3' एंड टेलोमेरेज प्रोवाइड एन एडिशनल टेम्पलेट फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन मशीनरी। हाउएवर ए शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रीजन रिमेन एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम ओवर हंग 3' एंड व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंड प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द टेलोमियर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड होगा ना, वो क्या कर लेगा, अपने आप को यहाँ पे लूप की फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है, जो हमारा टेलोमियर होगा ना, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इस डायग्राम के अंदर है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, तो एक्सटेंड करने के बाद जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है ना, वो क्या कर लेता है, यहाँ पे लूप, टी लूप की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, और इसकी वजह से क्या करता है, ये अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेगा बाहर किसी भी एक्सोन्यूक्लियस से। ठीक है, अगर ये यहाँ पे यू का यू रहेगा ना, सिंगल स्ट्रैंड अगर यहाँ पे यू का यू रहता, तो जो हमारे यहाँ पे टीलोमेरेज, जो हमारे यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे डिग्रेड कर देते हैं। तो इससे हमारा जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, वो ही हमारा क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। लेकिन ये क्या कर लिया है इसने, यहाँ पे टी लूप की फॉर्मेशन कर ली, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस है, वो हमारे यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। ओवर ऑन 3' सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड ऑफ द टीलोमियर इनवेड द डबल स्ट्रैंड डीएनए रीजन ऑफ द टीलोमियर एंड फॉर्म ए टी लूप स्ट्रक्चर। दिस लूप स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द टीलोमियर फ्रॉम द डीएनए रिपेयर एंजाइम। ठीक है, अगर ये सिंगल स्ट्रैंड ही होता, तो जो हमारे यहाँ पे रिपेयर एंजाइम भी होते हैं ना, वो भी क्या कर रहे थे, अब डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हमारा कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है, तो जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म है, वो इसको क्या करता है, एक एक्सटर्नल की तरह यहाँ पे एक्ट करवाता, और जिसकी वजह से क्या कर लेता है, इसको ये डिग्रेड भी कर सकता था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे टी लूप है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द टीलोमेरेज एक्टिविटी, तो ये हमारा किस तरीके से होगा, देयर आर मल्टीपल प्रोटीन दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द टीलोमेरेज एंजाइम। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एक हमारे यहाँ पे होता है CDC13, और एक हमारे यहाँ पे होगा POT1। जो हमारा CDC13 होगा, ये हमारा क्या करता है, पॉजिटिव एक्टिवेटर ऑफ द टीलोमेरेज। दिस प्रोटीन बाइंड्स टू द सिंगल स्ट्रैंड रीजन ऑफ द टीलोमियर एंड रिक्रूट द टीलोमेरेज टू द टीलोमेरेज। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, इनिबिटर ऑफ द, जो हमारे यहाँ पे POT1 होगा, ये हमारा क्या होता है, इनिबिटर ऑफ द टीलोमेरेज एक्टिविटी। इट्स बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड टीलोमियर डीएनए एंड इनिबिट द टीलोमेरेज एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे टीलोमेरेज की एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। ये जो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं ना, ये हम यहाँ पे सिर्फ इनका रिविजन यहाँ पे करके चल रहे हैं, एक ओवरव्यू में लेके चल रहे हैं। अगर आपको इन टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा अगर आपको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना हो, तो जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो हमारी स्पेशल लेक्चर सीरीज है, आप वहाँ पे इन लेक्चर्स को आप ध्यान से वहाँ पे सुन के इन एक्टिविटी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक ब्रीफली आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ले सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे रिवाइज ही करके चलना है, तो आप यहाँ जो हमारा आज का लेक्चर है, वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको इनके बारे में अगर और भी ज्यादा ब्रीफली अगर आपको स्टडी करना हो, तो आप हमारे लेक्चर सीरीज पे जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, हाउ डीएनए डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द करेक्ट बेस पेयरिंग। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे करेक्ट बेस पेयरिंग करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे दो मैकेनिज्म होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है काइनेटिक प्रूफ रीडिंग, और एक हमारे यहाँ पे होता है स्ट्रिंग एक्सक्लूजन ऑफ द आरएनटीपीज। पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग के लिए, तो इसमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट डिटेक्ट द एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड दैट एंटर द एक्टिव साइट, बट इट मॉनिटर द कैपेबिलिटी ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म द A to AT एंड द CG बेस पेयर। देखो, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो खुद से यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करा कि कौन सा हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, उसको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ यहाँ पे पता किसका लगा रहा है, कि जो यहाँ पे बेस पेयरिंग है ना, वो करेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे बेस पेयरिंग, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हमारा सी हो गया यहाँ पे साइटोसिन, और इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ग्वानिन होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा इसके लिए हमारा सॉरी ये हमारे यहाँ पे ये नहीं आएगा,
अगर यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एडेनिन हो गया, ठीक है, तो एडेनिन के अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमारे यहाँ पे आना चाहिए था थाइमिन, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे थाइमिन आ गया तो इनके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, एक हमारी करेक्ट यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के अपोजिट हमारा क्या हुआ यहाँ पे थाइमिन आ गया। अगर थाइमिन हमारे यहाँ पे आ जाता है तो देखो यहाँ पे करेक्ट बेस पेयरिंग हमारे यहाँ पे इनके बीच में फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एडेनिन के अपोजिट अगर हमारे यहाँ पे कोई एडेनिन ही आ गया, जैसे कि सपोज करके चलते हैं हमारे यहाँ पे एडेनिन ही आ जाता है, देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, हमारा थायमिन यहाँ पे आना चाहिए था, थायमिन आता तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्मेशन हो जाती, यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छे से हमारे यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाती। बट अगर यहाँ पे हमारा एडेनिन के अपोजिट अगर यहाँ पे एडेनिन ही आ जाता है तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे बेस पेयरिंग ही नहीं हुई। अगर यहाँ पे बेस पेयरिंग हमारे यहाँ पे नहीं होती है तो जो हमारे यहाँ पे एडेनिन जो हमारे यहाँ पे आया है ना रिक्रूट हुआ है, तो वो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट कंफर्मेशन बन ही नहीं पाएगी। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट कंफर्मेशन ही नहीं होगी तो यहाँ पे हमारी करेक्ट जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन थी वो भी हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो एडेनिन जो हमारे यहाँ पे आया है ना वो हमारे क्या हो जाता है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ द करेक्ट बेस पेयर बिटवीन द बेसिस डज द कैटलाइज द प्रोसेस फर्दर प्रोसीड, बिकॉज ऑफ ए कैटालिटिक अनफेवरेबल अलाइनमेंट ऑफ द इनकरेक्ट बेस पेयरिंग द न्यूक्लियोटाइड एडिशन रेट बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग है उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, स्टीयरिंग एक्सक्लूजन ऑफ द आरएनटीपी। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सीएसआईआर एग्जाम के अंदर या फिर डीबीटी के अंदर भी, कि देखो हमारे यहाँ पे दो टाइप के एनटीपी होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है डीएनटीपी, एक हमारे यहाँ पे होते हैं आरएनटीपी। डीएनटीपी से हमारे क्या होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि हम किसके अंदर यूज करते हैं, डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर हम किनको यूज करते हैं, आरएनटीपी को, यानी कि जो हमारे यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जब हमारे यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस चल रही थी तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आरएनटीपी कंसेंट्रेशन ज्यादा रख दी, डीएनटीपी यहाँ पे हमने कम रखी, यानी कि हमारे यहाँ पे आरएनटीपी बहुत ज्यादा है और डीएनटीपी हमारे यहाँ पे कम है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है ना डीएनए पॉलीमरेज, वो फिर भी क्या कर रहा है कि जो कम यहाँ पे डीएनटीपी है ना उन्हीं को सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, आरएनटीपी को सिलेक्ट कर ही नहीं रहा। तो वो किस तरीके से यहाँ पे हमारा एक्सक्लूड कर रहा है इनको, किस तरीके से वो वहाँ पे हमारा सिर्फ डीएनटीपी को सिलेक्ट कर रहा है और आरएनटीपी को सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक मैकेनिज्म रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज हैव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आरएनटीपी एंड द डीएनटीपी। डीएनए पॉलीमरेज हैज ए न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, हमारे यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है ना उसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट रहेगी उसके पास, ठीक है। और ये जो पॉकेट होगी ना वही हमारी क्या करेगी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारे आरएनटीपी है और डीएनटीपी है उनको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के अंदर हेल्प करेगी, विच कंसिस्ट ऑफ टू अमीनो एसिड दैट मेक ए वंडर वाल इंटरेक्शन विद द शुगर ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक पॉकेट होगी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव अमीनो एसिड, जिसके अंदर क्या हमारे दो अमीनो एसिड है यहाँ पे जो पॉकेट है। अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारे यहाँ पे डीएनटीपी आ रहा है, डीएनटीपी के अंदर क्या होता है कि जो इसकी टू प्राइम जो साइट होती है उसके पास सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, और अगर हमारे ये तो हमारे किसकी बात हम कर रहे हैं, डीएनटीपी के लिए, और आरएनटीपी के अंदर क्या होता है, टू प्राइम के ऊपर हमारे यहाँ पे ओएच होगा। यहाँ पे जो बाइंडिंग पॉकेट पॉकेट है ना हमारी, डिस्क्रिमिनेटिव बाइंडिंग पॉकेट या फिर डिस्क्रिमिनेटरी अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन होगा उसके साथ तो ये वंडर वाल इंटरेक्शन यहाँ पे हमारे कर लेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारा OH अगर आ जाता है तो यहाँ पे हमारे इनके साथ जो करेक्ट यहाँ पे वंडर वाल इंटरेक्शन हमारी होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा H तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे OH हो जाता है तो वो हमारे क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हमारे वंडर वाल इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएगा, और OH हमारे यहाँ पे क्या करे, स्टेरिकली भी यहाँ पे हमारा इसके साथ फिट यहाँ पे हो ही नहीं रहा, इस पॉकेट के अंदर सिर्फ हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ही हमारे यहाँ पे फिट हो सकता है, OH हमारे यहाँ पे फिट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्योंकि ये फिट ही नहीं हो सकता तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली हमारे यहाँ पे स्टेरिक एक्सक्लूजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। दिस पॉकेट कैन नॉट अकोमोडेट टू प्राइम ओ एच ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द आरएनटीपी शुगर, ठीक है। तो इसके बेस में हम यहाँ पे आरएनटीपी और डीएनटीपी को यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एक्यूरेसी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, द ऑब्जर्व एक्यूरेसी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज 10^10, मीन्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ वन रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस आफ्टर दैट 10^10 बेस पेयर। अगर हम यहाँ पे 10^10 बेस पेयर को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक इनकरेक्ट बेस हमारे यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। व्हेनेवर डीएनए पॉलीमरेज एड्स ए रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए स्ट्रैंड इट इज रिमूव्ड बाय द 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंड देन ऐड द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड।
अगर हमारे यहाँ पे कोई अगर बेस पेयर यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट आ भी जाता है, तो वहां पे हमारा क्या रहेगा, वहां पे हमारा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है वो उसको भी यहाँ से रिमूव कर देगा। वैसे तो हमारा जो पॉलीमरेज, जब भी हमने पीछे बात की थी ना कि वो हमारा इनकरेक्ट बेस पेयर को यहाँ पे ऐड करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे को हमारा कोई ऐड हो जाता है तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारी जो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है वो उसको वहां से रिमूव कर देगी। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इंसर्ट वन इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड फॉर एवरी 10^5 न्यूक्लियोटाइड एडेड। एक्सोन्यूक्लिएज फर्दर डिक्रीज द प्रेजेंस अपियरेंस ऑफ द इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड एंड इंप्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेसी टू दैट अबाउट 10^-10। देखो जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है ना, वो तो सिंपली क्या करता है, उसके अगर यहाँ पे उसकी एक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो हमारा यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ना, वो कितनी होती है, 10^5 की, यानी कि 10^5 अगर यहाँ पे हमने उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक इनकरेक्ट बेस पेयर हमारे यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, एक हमारी यहाँ पे एक्टिविटी हो जाती है एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी भी, जो हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है, तो ये क्या कर देता है, इसकी भी जो यहाँ पे एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 10^-5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10^5 इसकी थी, 10^5 इसकी यहाँ पे एक्यूरेसी थी, इसने क्या किया कि जो टोटल यहाँ पे एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है एप्लीकेशन के अंदर, वो हमारी कितनी हो जाती है, 10^10 की, यानी कि इतने बेस पेयर अगर हमारे यहाँ पे ऐड होंगे तो वहाँ पे हमारा एक इनकरेक्ट बेस पेयर हो सकता है। देन उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं। द लेंथ ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन यूकेरियोट्स इज फ्रॉम 100 to 400 न्यूक्लियोटाइड, व्हाइल इन द बैक्टीरिया इट इज फ्रॉम 1000 न्यूक्लियोटाइड to 2000 न्यूक्लियोटाइड। जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट होती है उनकी लेंथ हमारे यहाँ पे ज्यादा रहेगी, और जो हमारे यूकेरियोट्स होंगे उनके अंदर ये लेंथ कम रहेगी। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशियली इनिशिएट ए डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड डी नोवो, इट नीड्स ए प्राइमर विद अ फ्री 3' OH टू स्टार्ट द डीएनए सिंथेसिस। हाउएवर प्राइमेज व्हिच इज एन आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर एनी प्राइमर टू इनिशिएट द आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्राइमरली कॉन्टैक्ट द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद द फॉस्फेट बैकबोन एंड स्टैकिंग इन इंटरेक्शन विद द डीएनए बेसिस इट बाइंड सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैन। ये हमारे किसके लिए था, जो हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन था। डीएनए पॉलीमरेज वन कैन बी क्लीव्ड बाय द माइल्ड प्रोटियोलाइटिक ट्रीटमेंट इंटू टू पॉलीपेप्टाइड, ए लार्ज फ्रेगमेंट कॉल्ड एज द क्लिनो फ्रेगमेंट विच हैज द पॉलीमरेज एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3' टू 5', जो हमारे यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती थी। ठीक है, एंड ए स्मॉल फ्रेगमेंट विद अ 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज वन है वो हमारा यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक ट्रीटमेंट के थ्रू दो पॉलीपेप्टाइड के अंदर हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, एक हमारे यहाँ पे लार्ज फ्रेगमेंट होगा, एक हमारे यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट होगा। लार्ज फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लिनो फ्रेगमेंट, और क्लिनो फ्रेगमेंट के पास हमारे यहाँ पे क्या होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होगी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होगी। जो हमारा स्मॉल फ्रेगमेंट होगा उसके पास क्या होती है, यहाँ पे 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इन द क्लिनो फ्रेगमेंट, जो हमारे यहाँ पे क्लिनो फ्रेगमेंट होगा, वन अल्फा हेलिक्स इज ए पार्ट ऑफ द फिंगर डोमेन एंड अदर इज द पार्ट ऑफ द थंब डोमेन, एंड द बीटा प्लेटेड सीड्स बिटवीन देम इज ए पार्ट ऑफ द पाम डोमेन। द पाम डोमेन कंटेन 3 कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यू दैट आर एसेंशियल फॉर द कैटालिसिस। डीएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डाइवेलेंट कैटायंस टिपिकली मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे डाइवेलेंट आयन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज की सफिशियंट या फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन कौन से, मैग्नीशियम भी हो सकते हैं, मेजरली हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम रहेगा, और या फिर हमारे यहाँ पे जिंक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने हमने बात की रेप्लिकेशन के बारे में, रेप्लिकेशन हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से यहाँ पे हमारे प्रोसीड करेगी, और यूकैरियोट्स के अंदर हमारे किस तरीके से प्रोसीड करेगी। उसके अलावा हमने यहाँ पॉलीमरेज के डिफरेंट टाइप यहाँ पे हमने स्टडी किए, जो हमारा पॉलीमराइजेशन हमारे यहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे किस तरीके से प्रूफ रीडिंग रहती है वो भी हमने यहाँ पे आज बात की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस DBT बेट CRF और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। और उसके अलावा जो हमारा लास्ट नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे लेक्चर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट के लिए जो हमारे यहाँ पे पार्ट था उसके अंदर हमने डीएनए टू क्रोमोसोम हमने यहाँ पे बात की थी। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे क्या बात की है, जो हमारे यहाँ पे डीएनए टू डीएनए हमारे यहाँ पे सिंथेसिस किस तरीके से होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे म्यूटेशन जो हमारे यहाँ पे होती है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो आरएनए सिंथेसिस हमारे यहाँ पे होती है, यानी कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे। तो आज